हेलो फ्रेंड्स, आई एम ओम त्रिवेदी एंड टुडे विद मी इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ EISSM और यू कैन से CA इंटरमीडिएट OTC। सो आज हमारे साथ एक CA इंटरमीडिएट जुलाई 21 अटेम्प्ट के हमारे खास इंस्पिरेशन एंड सेंसेशन यू कैन से इन सेकेंड ग्रुप एक पंजाबी मुंडा जिसने गाड़ा है बहुत तगड़ा झंडा इन CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2। नाम है उसका खुशाल रवि अरोड़ा। सो आई वेलकम यू खुशाल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर सक्सेस दैट यू हैव अचीव्ड। और पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, खुशाल कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली एंड अस एज वेल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो फ्रेंड्स, पहले कि मैं खुशहाल से आगे की बात करूं, आई वुड लाइक टू टेल यू हिज स्कोर्स इन सेकंड ग्रुप जो बहुत बेमिसाल है। जैसा नाम खुशहाल है उसका स्कोर बेमिसाल है। मैं कह सकता हूं उसने एडवांस अकाउंटिंग में 81 स्कोर किया है, ऑडिट में 74 स्कोर किया है, EISSM में 73 स्कोर किया है एंड FM ECO में 70 स्कोर किया है। तो खुशहाल मैं क्या बोलूँ कि मतलब 70 से नीचे यार सोचा ही नहीं आपने, मतलब क्या खा के गए थे यार उस दिन पेपर देने, ये चारों पेपर में मतलब क्या सोच के गए थे यार, तुमने कौन सा झंडा उठा के उस दिन गाड़ने की तैयारी कर रखी थी, प्लीज टेल मी क्या सोच के गए थे एग्जाम वाले दिन सर, से एडवांस अकाउंटिंग से शुरू करते हैं आपकी गाइडेंस, तो एडवांस अकाउंटिंग में क्या सोच के गए थे? सोचा था कि इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल कवर करूंगा, सब आरटीपीएससी भी करूंगा, तो फिर जितना और फिर जो भी पेपर आया छोड़ दो, क्या बात है भगवान भरोसे छोड़ दो। अच्छा, रिजल्ट जब पता चला तो कैसे पता चला, मतलब रिजल्ट वाले दिन तुम्हारी, मतलब वो एक बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है, हमारी लाइफ में भी होता था। मुझे याद है जब मैंने CA फाउंडेशन दिया था, तो दो आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने CA फाउंडेशन दिया था, उसके बाद मैं मैनेजमेंट के फील्ड में चला गया था। आई वॉज 40th रैंक होल्डर। तो मेरा घर जो है वो बहुत बड़ा सा, मतलब एक गांव में घर है जहां मेरा पैटर्नल हाउस है, तो हाईवे पे था, हाईवे पे एक बूथ होता था, टेलीफोन बूथ, बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2003 की 2 की बात है। तो मैं वहाँ गया, फ़ोन किया और वहाँ से रिजल्ट पता किया अपने फ्रेंड के थ्रू, वो इंस्टीट्यूट में उस समय लिस्ट लगा करती थी, तो वहां से पता किया। जब मेरे को रिजल्ट पता चला कि आई हैव गॉट 40th रैंक, तो वहां से पूरा लगभग 500 मीटर की रेस लगाई मैंने अपने घर तक पहुंचने के लिए उस बूथ से, और घर में घुसने के लिए जो दरवाजा था, खुला घर, मतलब आप समझ सकते हो गांव में जो होता है, तो पीछे से दरवाजा था, एक छोटा दरवाजा, तो मैंने कहा मैं इतनी तेज से आ रहा हूँ, मैं दरवाजा क्या से एंटर क्या करूंगा, मैं पूरा दीवार ही फांग गया था, पूरे दीवार के ऊपर हाथ रखा, पूरा ऊपर से आया और जाके डैडी को जैसे गले लगाया। तो ये एक स्पेशल मोमेंट होता है। आई वॉन्ट टू नो कि जो पहला दिन था, जो जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन क्या माहौल था, प्लीज एक्सप्लेन। सर, एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट दोपहर से शाम के बीच में आएगा, तो फिर लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, अराउंड 11 o'clock आ गया था, तो फिर उतना जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो थोड़ा सा नर्वस अच्छा आना था, लेकिन श्योरिटी थी कि पास हो जाऊंगा, उतने खराब नहीं गए थे पेपर, राइट। तो फिर देखा रिजल्ट अच्छा आया मार्क्स, तो सब खुश हो गए घर में सारे खुश हो गए, एंड ऑब्वियसली पूरे घर की बहुत सारी मेहनत होती है। तो EISSM की बात करूं तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 73 आएंगे, मतलब इस पेपर में, मतलब आपने सोचा था कि ऐसा मार्क्स आ जाएगा? पेपर अच्छा गया था, पेपर अच्छा गया था सर, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था, राइट। तो मतलब, और उसके बाद ये, मतलब कपिल शर्मा शो की तरह ये भी सोचा था कि एक दिन अपन आपस में बैठ के ऐसे बातें करेंगे, क्लास में तो बहुत करते थे लेकिन ऐसे वन टू वन, राइट। और सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बताओगे बच्चों के लिए, क्योंकि ये वीडियोस ऑब्वियसली बच्चों तक पहुंचेंगी इस सेशन के बाद, विल शेयर विद द स्टूडेंट्स, कि सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे प्रिपेयर किया था, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या थी, क्योंकि मार्क्स को देख के ऐसा लगता है कि तुमने अगर बोथ ग्रुप दिया होता, अगर मतलब अगर नहीं कर रहा, मैं अब कोई पीछे की बात में नहीं कर रहा, लेकिन जैसे स्कोर हैं, ऐसे स्कोर में तो कोई 1 2 3 4 5 6 रैंक, मतलब उस रेंज में जा सकता है जो मैं स्कोर्स देख रहा हूँ,
80s 70s में आपके ऐसे ही अगर एक ग्रुप में और लगा लो तो यू आर यू नो टॉप 10 रैंक होल्डर एंड आई कैन टेल यू कि मतलब हो सकता था ये. तो ये जो स्कोर आए स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे रैंक अलग बात है. तो ये स्कोर कैसे आए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी क्या थी थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बताओगे आप क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको सुनेंगे और उनको आइडिया लगेगा कि मतलब कैसे प्लान करना है फ्यूचर में. अगर एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करो तो जिस फैकल्टी से मैंने क्लासेस ली थी उनका मैंने अच्छे से किया मटेरियल और फिर आखिरकार तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी घुमाया था कि जो क्वेश्चंस हम फैकल्टी के स्टडी मटेरियल में थे वो आईसीआई में भी थे. किन सर से किया था आपने एडवांस अकाउंटिंग? मैं रवि सोनी. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हो यहां कोई कुछ कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन शेयर. यस सर. रवि सोनी क्या सर से लिया था? रवि सोनकिया सर से. राइट राइट. एडवांस अकाउंटिंग बहुत अच्छे और फिर और ऑडिटिंग. ऑडिटिंग मैंने नीरज अरोड़ा सर से लिया था. नीरज अरोड़ा सर से लिया था. अगेन यू मेड अ गुड चॉइस. और ईआईएसएसएम ऑफ कोर्स मेरे से लिया था. और एफएम इको नितिन गुरु सर से. नितिन गुरु सर से. ग्रेट. वो नीरज अरोड़ा सर की फैकल्टी है. हां जी मुझे पता है. हां पता है वो सर के साथ है. तो अभी जैसे स्ट्रैटजीज क्या थी आप कैसे प्रिपरेशन करते थे कैसे स्ट्रैटजी कैसे रिवीजन स्ट्रैटजी कैसे तैयार करी नोट्स कैसे प्रिपेयर किया? नोट्स तो सर जो आप क्लास में लिखाते थे साइमल्टेनियसली याद करते जाता था तो उस पे ज्यादा इशू नहीं था. देखो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देते थे. राइट. तो फिर वो मैं लिखता था नोट करता था अलग से बुक में और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था. और फिर आपका जो स्टडी मटेरियल है वो काफी अच्छा था. आपने हर लाइन में एक दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए थे हाईलाइट किए थे. तो फिर मैं वही पढ़ता था. मैं पूरा लाइन लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता था जो आप जैसे आपने रेड में मार्क किया था तो वही पढ़ता था. और मैंने एग्जाम में भी वही हाईलाइट करके आया स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट. क्योंकि नीरज सर का स्टडी मटेरियल भी एकदम आपकी तरह था. वो भी हाईलाइट करते थे वर्ड्स इंपॉर्टेंट की टर्म्स. जो जो सर हाईलाइट करके थे बच्चों को कीवर्ड्स वो बहुत अच्छा रहता है. वही बच्चों के लिए मतलब बच्चों को उन कीवर्ड्स को अच्छे से समझना भी चाहिए और उनको एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी भी डेवलप करनी चाहिए. वो समझ लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस हाईलाइटिंग टर्म से. पूरा सेंटेंस अंडरस्टैंड कर लो जैसे आप अंडरस्टैंड करवाते थे और कीवर्ड्स को ध्यान में रखो. बस सर ये इतना ही किया. और जो एक्स्ट्रा रिटन प्रैक्टिस की थी थ्योरी पेपर्स में खास करके ऑडिट में ईआईएसएसएम में रिटन प्रैक्टिस की थी कुछ? रिटन प्रैक्टिस सर ज्यादा नहीं की थी. एक आध पेपर सॉल्व किया था हैंड रिटन. लेकिन मेरे को कवरेज काफी करना था सर इसलिए मैंने इसलिए मैंने सोचा कि सब हाथ से लिख के करूंगा तो इतना कवरेज हो नहीं पाएगा. नॉट पॉसिबल क्योंकि काफी मॉक टेस्ट पेपर्स थे. तो मेरे को ये मेक श्योर करना था कि मैं पूरा कवर कर सकूं आपके मॉक टेस्ट. तो फिर उसके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता था खुद आंसर देता था और फिर चेक करता था कि वो बच्चों को समझना है क्योंकि आप तुमने 73 स्कोर किया है तो 73 इज वेरी गुड मार्क्स इन ईआईएसएसएम. मतलब 73 अगर मैं प्रैक्टिकल पेपर पढ़ा रहा होता तो आई वुड हैव टोल्ड कि भाई 90 आए कुछ ऐसा इक्विवेलेंट टू 90 इन अदर प्रैक्टिकल पेपर्स. जैसे आपके एडवांस अकाउंटिंग में अगर 81 आए हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये कुछ 73 इज इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दैट 80s 90s के स्कोर हैं. तो जो टेस्ट हम लास्ट में करते हैं सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं उसका क्या रोल होता है? क्या वो आईना दिखाता है हमें? क्या उससे हमें कुछ आइडिया लगता है? सर आईना तो दिखाता है पता चल जाता है आने वाले अप्रोक्सीमेटली पता चल जाता है. स्पेशली जब इंस्टीट्यूट का पुराना क्वेश्चंस ही करो मतलब जो देखे हुए एग्जाम में आए हैं वो. क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया है अपना क्वेश्चंस का पूरा फ्रेमिंग ही चेंज कर दिया है. ये जो लास्ट टू अटेम्प्ट्स है नवंबर 20 के और ये जो जुलाई का अटेम्प्ट है स्पेशली इस पे तो सर अलग ही क्वेश्चन थे. अलग ही क्वेश्चन थे नहीं होंगे मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा आपने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं करा तो फिर मतलब पास होना भी मुश्किल है. वो पुराने जमाने में ना एक कहावत चलती थी कि आप क्रैमिंग कर लो 50 मार्क्स के नोट्स बना लो रट लो उसको और जाके लिख के आ जाओ. वो कार्यक्रम नहीं हो सकता राइट. स्पेशली थ्योरी में तो कभी नहीं सकता. क्वेश्चन बैंक थ्योरी का नहीं मैं कभी रिलाय नहीं करता था.
पूरा टेक्स्ट बुक। और इनफैक्ट जो पास्ट ईयर है ना, जो पास्ट ईयर है, जो मैं भी थोड़ा समझ पाया हूँ तुम लोगों से ही बात करके, और देखो अब तो स्कोर सारे सारे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, जो पास्ट ईयर है ना वो भी काफी इररिलेवेंट से हो गए। मतलब ठीक है पास्ट ईयर है तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली, बट खाली टेस्ट करने के लिए सर, खुद को टेस्ट करने के लिए कि हाँ मैं भी होता तो तोड़ देता इसको। हाँ उस टाइम अगर मैं भी लिख रहा होता तो मैं भी इस क्वेश्चन को तो क्रैक कर ही देता। बट यस अभी जो नया पैटर्न है, मैं सारे बच्चों से खुशहाल के प्रेजेंस में शेयर करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन की क्रिएटिविटी है, नो डाउट इंस्टीट्यूट ने काफी इंप्रूव किया है और काफी इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया है। तो आपको EISSM जैसे पेपर में, ऑडिट जैसे पेपर में, आपको बहुत अच्छे से क्रिएटिवली सब्जेक्ट को समझना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं एटलीस्ट अलग अलग इंडस्ट्री के, सो दैट कि आप एग्जाम में जब जाएं तो आपके लिए सरप्राइजेज ना हो, अदरवाइज सरप्राइजेज मिलेंगे वहां पे। इज इट द रियलिटी? डू यू अग्री विद दिस फैक्ट? यस सर कंप्लीटली। खुशहाल लास्ट में जब तुमने रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई थी, रिवीजन ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज, कैसे किया? नहीं नहीं 1.5 डेज नहीं, वो बाद में पूछूंगा। मेरे को बताओ कि लास्ट जैसे एक डेढ़ महीने पहले जब अपन रिवीजन में आते हैं तो कैसे प्लान बनाया, चैप्टर वाइज बनाया, डे वाइज बनाया, आर्ली बनाया, कैसे बनाया? सर सब्जेक्ट वाइज करता था, एक सब्जेक्ट उठाया, 9-10 दिन दिया, बिल्कुल अच्छे से कवरेज किया, सब कुछ कवरेज किया, फिर आरटीपी एमटीपी आपके टेस्ट पेपर्स जो थे, मॉक टेस्ट पेपर्स जिसमें नए नए क्वेश्चन दिखाई देते थे काफी, बिल्कुल दो तीन दिन उसमें डाला, ऐसे ही किया, हर एक में ऐसे ही किया, एडवांस अकाउंट्स में 10 दिन, EISSM में 10 दिन, बल्कि EISSM डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो आई हैव टू पुट इन मोर डेज फॉर दैट। वहाँ थोड़ा क्वेश्चन की रेंज ज्यादा बढ़ाते थे कि और भी कुछ कर लूँ अच्छे से, इधर से कर लूँ उधर से कर लूँ, राइट। और एक और चीज की एक ना एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, तुमने प्रैक्टिकली फेस किया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो ज्यादातर ना एग्जाम से 4 दिन पहले ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, सर लास्ट में कुछ याद ही नहीं रह रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, इसके पीछे का क्या साइंस है ये याद नहीं आ रहा? इतना यूथ सिलेबस है, ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लैंक हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, बहुत काफी डिफिकल्ट है, लेकिन वो 1.5 डेज में आप जितना मैक्सिमम कवरेज कर सको स्टूडेंट के लिए उतना ही अच्छा है। मैंने मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश की थी 1.5 डेज में, 5 डेज में। और क्या ये पुराना जो अपनी क्लास है जब अपन कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो क्या एग्जाम हॉल में ये बातें याद आती हैं, कुछ बातें ऐसी जो रिकॉल होती हैं प्रॉपरली अगर आपने ठीक से रिवीजन किया है, स्टडी किया है तो? हां सर, 1.5 डेज की आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? जो ये 1.5 दिन के लिए क्या स्पेशल तैयार करके रखा था, नोट्स, चार्ट्स, या कैसे किया था 1.5 दिन में? सर हाँ आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी खुशहाल, प्लीज रिपीट करो एक बार। आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर, यस सर, यस सर। तो 1.5 डेज वाला वो आपका ऑडियो ब्रेक किया था, तो 1.5 डेज की क्या थी आपकी स्ट्रेटजी बेसिकली, उसके लिए क्या खास तुमने? राइट, कैसे मतलब, क्या नोट्स या बुक में मार्किंग करके रखी थी उससे करी थी? हाँ मैं आपका बुक ही पढ़ा था पूरा, ऐसा नहीं कि छोटा सा मैंने नोट्स पढ़ा, हेड पॉइंट पढ़ा, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है सर, वो MCQs भी ना वो हेड पॉइंट के अंदर के लाइन से उठा उठा के दे रहा है, उठा उठा के दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो पे नसीब है कि अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको आ गया होगा, लेकिन तो उस नसीब को यस 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 उस नसीब को कवर करने का एक ही तरीका है कि 100% कवर करो, 100% कवरेज करो, और 100% तो जितना मैक्सिमम हो सके, और स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ती है, जैसे चैप्टर 3 आपको पता ही है मुझे इसका चैप्टर है तो फिर बड़ा है उसमें मुझको भी डिफिकल्टी हुई थी, तो फिर मैं भी हेड पॉइंट्स पढ़ता था अच्छे से, और अंदर का एक एक लाइन जैसे आपने बताया था अंडरस्टैंड करके लिख दो, हाँ वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैंने सिखाया था कि डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, लास्ट में आके अगर चैप्टर 3 का इशू हो, या जहाँ लेंदी है ना, पॉइंटर्स बहुत सारे हो जाए, हजारों पॉइंट्स हैं जहाँ पे,
और हर टॉपिक में पांच पांच दस दस पॉइंट है, तो उस बार उसमें नो डाउट कितने भी मेमोरी कोड भी बना लो वहां पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी मिक्स चलती है और थोड़ी सी स्ट्रैटजी स्मार्ट स्ट्रैटजी चलती है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डिलीवर करना है, बुक तो लिखनी नहीं है। तो वो डिलीवर करने के लिए वो सब स्ट्रैटजी मैं बताता हूँ, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं सिलेबस में, कॉमन टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ वाला मिस कर रहे हो तो यहाँ वाले से पिक करके यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। सो दैट्स व्हाई वी टेल यू, आई टेल यू, अदरवाइज एज अ टीचर तो ऑब्वियसली मैं तो स्ट्रेट ही पढ़ाऊंगा, बट हाँ ये स्मार्ट ट्रिक्स अपने को रखनी पड़ती है। अच्छा एक चीज़ खुशहाल, आजकल ना बच्चे इस बात पे बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, इनफैक्ट दो बातें करूँगा, एक सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का तुमने क्या किया था, मतलब कबाड़ा किया था, यूज किया था, उसका क्या किया था सोशल मीडिया पे? सर 1.5 डेज पे भी यूज किया था। अच्छा, आई नेवर गिव अप ऑन सोशल मीडिया, नेवर, बट इट वाज लिमिटेड, राइट? यस सर, लिमिटेड, इट वाज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग कि मुझे फालतू में थोड़ा बहुत करना है यूज, बट इतना भी नहीं, मतलब घुसे नहीं रहना उसके अंदर। हां सर, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐप डिलीट कर दिया, अकाउंट डिलीट कर दिया, वो सब नहीं किया है। नॉर्मल रखा था, नॉर्मल 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 रखा था, बस अपने को कंट्रोल करके रखा था, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कोशिश नहीं रहने का, मतलब एग्जाम के टाइम पे कि एग्जाम आ रहा है तो उससे फ्रस्ट्रेशन भी होता है, थोड़ा नर्वसनेस भी ज्यादा बढ़ जाता है कि एग्जाम आ रहा है, फोबिया भी क्रिएट हो जाता है, फोबिया क्रिएट होता है, तो जस्ट कीप इट नॉर्मल, नॉर्मल, यस, दैट्स अ इंपॉर्टेंट लेसन गाइस, कीप इट नॉर्मल, नेचुरल खेलो, कोहली की तरह खेलो, मतलब वहां टेंशन ना लो कि मुझे मारना है, रोकना है, रोकना है, मारना है, पता चला ना रोक पाए ना मार पाए, बोल्ड हो गए, ऐसा नहीं करना। और एक लास्ट चीज, स्ट्रेस, आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और स्टूडेंट की लाइफ में एग्जाम के पास तो स्ट्रेस, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, मतलब जिनके पास उतनी रिसोर्सेस हैं वो तो पूरा, मतलब स्पोर्ट्समैन की तरह स्टूडेंट्स भी साइकियाट्रिस्ट हायर कर लेते हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मुंबई में और दिल्ली में जो बड़े, मतलब दे कैन बी, तो उनके पास तो पूरे थ्रू आउट एग्जाम टाइम में, आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा, उनके पास साइकोलॉजिस्ट आता है जो उनको हर सप्ताह आके उनसे बातें करता है, काउंसलिंग करता है, सो दैट कि बच्चे का एग्जाम बिल्कुल, अब देखो ये नया एक सिस्टम है, बट एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड, तो हाउ डिड यू मैनेज योर यू नो दैट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इन एग्जाम डेज, लास्ट मतलब दो महीने के अंदर खास करके? फिजिकल के लिए मैं ऐसा जिम नहीं जाता था, घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता था बिल्कुल, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है उससे, बेटर हो जाता है, मैं हमेशा उसे बिलीव करता था। और मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ऐसा मुझे ऐसा कोई मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं, क्योंकि मैं डे वन से प्रिपेयर कर रहा था, तो डोंट कीप इट फॉर द लास्ट मोमेंट, फिनिश इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल, फिर आपको ज्यादा रिविजन करने को मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ट अप होगा, हाँ मैंने किया, 3-4 रिविजन किया, 5 रिविजन किया, इतनी बार तो पढ़ा, अभी तो पास तो हो ही जाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगेन यू विल से कि आपको नॉर्मल रहने का है, आपको जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है उसमें रहने का है। मॉर्निंग इवनिंग क्या मतलब, तुम्हारा जो टाइम स्केड्यूल था पढ़ने का, तुम रात को लेट तक पढ़ते थे, मॉर्निंग में अर्ली उठते थे, या नॉर्मल डे टाइम में कि सूरज उगा तो मैं भी उगा, सूरज गया तो मैं भी गया, कुछ ऐसा? 1.5 डेज में तो मैंने टाइम नहीं देखा नहीं देखा 4-5 बजे सुबह के, स्पेशली जब ऑडिट और ईएएस था तो इतना वास्ट था, मैं सोचा कवर करना तो पूरा करके ही जाना है। लेकिन अगर बहुत पहले की बात करोगे, 4-3 महीने पहले एग्जाम के, तो नॉर्मल होता था, 9-10 बजे उठता था, 12-1 बजे हो जाता था, तो अगर 3-3 घंटे के अगर लेक्चर होते थे तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं दिन में 2 देखूं, कम से कम 6 आवर्स का प्रैक्टिस करूं, 6 आवर्स का कवरेज करूं और रिवाइज करते जाऊं हाथों हाथ, और बाकी सेल्फ स्टडी। तो आवर्स का क्या, कैसे तुमने बंटवारा किया था खुशहाल, मतलब आवर्स तुमने कैसे डिवाइड किए थे अपने, कितने आवर्स देते थे पर डे एवरेज पूरे स्टडी प्लान में, एवरेज 6-7 आवर्स, मतलब 6-5 घंटे की अपनी क्लास और उसके बाद रिवीजन एंड दैट्स इट, मतलब तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि 16 घंटे और 15 घंटे मतलब पढ़ ही जा रहे हैं, मतलब एकदम ऐसा नहीं, तो तुमने एकदम पंजाबी स्टाइल में तैयारी करी है, मैं समझ गया ठीक है, मैं पंजाब में रहता हूँ तो मुझे पता है कि मतलब एकदम भांगड़ा करते हुए, बड़े काम भी करने हैं तो भांगड़ा करते हुए मैं तो ग्रेट, आई लव्ड इट, लव द वे यू डिड इट। तो अभी तुमने जैसे अभी तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो? यस सर, स्टार्ट कर दिया है। कर दिया है, तो रिजल्ट आया उस दिन से पहले कर दिया था, जा रहे थे?
हाँ सर, कुछ एक हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया था स्टार्ट कर दिया था। तो क्योंकि अभी मेरा रिजल्ट आने के बाद जैसे लोग कहते हैं 3-4 दिन तो एकदम एंजॉय करो ना, यू आर इनटू सीए फाइनल्स ये वो, तो अब तुम एकदम, तो ऐसा कुछ एंजॉय किया हाँ अभी सर कुछ? बाहर गया था एक दिन, एंजॉय राइट किया, प्रिंसिपल अगर मैं सर तो बोला आज माफ कर दो, आज क्षमा कर दो, प्रिंसिपल राइट भी अगर अच्छे मैं से। अभी ना, मैं एक नई बात करने वाला हूं, अगर मैं प्रिंसिपल होता ना, मेरे ऑफिस में ऐसे आर्टिकल्स होते जो इतने अच्छे मार्क्स लेके आते और इतने अच्छे से पास करते, मैं कहता बेटा 4 दिन जा शिमला जा, ये ले टिकट, ये ले तेरे रहने का इंतजाम, 4 दिन तो बिल्कुल पार्टी बिल्कुल एकदम पावरी करके आ, ठीक है? तो मैं तो बिल्कुल ऐसे कह देता, मतलब एक्चुअली ये 3-4 दिन ये बेस्ट मोमेंट्स होते, और अच्छे से जब सर ग्रुप निकलता है ना तो मतलब वो खुशी आपकी फैमिली का, आपका, आपके टीचर का भी। इनफैक्ट जब तुम्हारा स्कोर आया था, तुम यू वोंट बिलीव कि हमारे ग्रुप में सबसे पहला स्कोर तुम्हारा आया था आउटसाइड द ग्रुप ऑल्सो, जो पूरे मैंने लिस्ट बाद में शेयर करे थे, बहुत सारे बच्चे इस बार बहुत बच्चे पास हुए, एग्जेम्पशन बहुत आए, बट तुम्हारा, और जैसे ही मैंने देखा ना 73, मैंने कहा यार बोनी बहुत अच्छी हुई है, मतलब इट इज गोइंग टू हैपन समथिंग। और रात तक जाते जाते जब सोने जा रहा था तो एक रैंक आया, और फिर अगले दिन एक रैंक आया, तो मैंने कहा यार ये सोने पे सुहागा, रैंक भी आए, बट तुम्हारे सर मार्क्स को देख करके तो मेरे को रैंक से बड़ी फीलिंग हो रही है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि तुम्हारा 81, 74, 73 एंड 77, 70, मतलब रिमार्केबल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक आपसे, फाइनल्स में ट्राई फॉर बोथ ग्रुप, टेक योर टाइम, गो फॉर बोथ ग्रुप, यू आर अ रैंक मटेरियल, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। और तुम्हें छुट्टी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ऑफकोर्स मैं तुम्हारा प्रिंसिपल नहीं हूं, बट वॉट आई कैन डू फॉर यू इज 2-3 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अप फ्रंट हियर। एक तो मैं आपके लिए, जैसा तुमसे ही सजेशन लिया था, सारे बच्चों के लिए, मैं जितने भी 70+ के बच्चे उनके लिए 5,000+ का अमेजोन का मैं आपको शॉपिंग वाउचर दे रहा हूँ, और ये तुम्हारी सजेशन थी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट। मैंने पूछा था कि क्या बच्चों को पसंद है, तो खुशाल टोल्ड मी कि सर वाउचर दे दो, दे कैन बाय अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट को जो चाहिए। एडिशनली मेरी सीए फाइनल की एक क्लास, आपकी एक क्लास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड दैट विल बी SCMP, दैट इज वेरी अगेन SCMP स्ट्रेटेजिक पेपर, एंड यू नो मैं आईएम से आता हूँ तो मेरा वो कोर एरिया है, तो एक वो पेपर, ये आपके सब, आपके लिए ये सब रिवॉर्ड पॉइंट्स है बिकॉज आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ आपको 2 EISSM की क्लासेस फ्री। अब तुम ये कहोगे सर 2 क्लासेस मैं क्या करूंगा, मैं तो पास हो गया। यू आर गोइंग टू बी माई ब्रांड एम्बेसडर, यू कैरी फॉरवर्ड, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू अ सुटेबल स्टूडेंट टू हूम यू फील, जो कुशाल को लगता है कि ये लड़के को रियली EISSM के क्लास की जरूरत है, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये पास नहीं हो रहा, मेरा साथी है, मेरा जूनियर है, मेरा सीनियर है, जो भी है, या मैं एक जानता हूँ एक बच्चा है जो गरीब है, जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता क्लासेस, तो खुशाल आई एम गिविंग यू दैट ऑनर कि 2 EISSM, वो वीटो पावर है तुम्हारे पास, तुमने एक छोटा सा मैसेज डालना है सर दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज हिज यू नो डॉक्यूमेंट, एंड यू प्रोवाइड हिम EISSM फुल कोर्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 free classes ऑफ EIS, एंड दैट विल बी डिलीवर्ड थ्रू यू, सो दैट द पीपल शुड नो दैट हाउ वी रिस्पेक्ट आर यू नो स्कोरर्स, हाउ वी रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ आर टीम, एंड यू आर नाउ अ फैमिली, अ टीम। मेरे को यही बात बोलते हुए बिल्कुल एकदम मतलब एक गट फीलिंग है, एक अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम वेरी प्राउड दैट यू हैव बीन माई स्टूडेंट, एंड तुम्हारी जर्नी अगेन मैं रिपीट करूंगा, इट इज ट्रिमेंडस, एंड मेक इट श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट रैंक इन फाइनल्स। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, बट आई हैव एक्सपेक्टेशन, बिकॉज तुम्हारी मार्क्स को देख करके मेरा हक बनता है बींग योर टीचर कि आई कैन एक्सपेक्ट। बाकी जैसी बात है EISSM की, तो नो डाउट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, फ्रॉम माई साइड थम्स अप, एंड मेरी टीम आपके कॉन्टेक्ट में रहेगी, मैं भी आपके स्टे इन टच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड सी यू सून इन SCMP, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू कुशाल फॉर बीइंग हियर, एंड योर स्टोरी इज गोइंग टू इंस्पायर सो मेनी स्टूडेंट, मार्क माई वर्ड्स। ये छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं छोटी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इस पेपर में स्कोर करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जब एक्चुअली सामने जब एक पहाड़ सा सिलेबस दिखता है, तो जो उसका सीनियर पास होकर निकला है उसके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम मैनेजिंग दिस सेशन। इस बार हम सारे बच्चों के साथ बात करने वाले एंड बच्चों के लिए लेके आने वाले हैं, सो विश यू ऑल द बेस्ट लक इन योर फ्यूचर एंडेवर्स, इन योर लाइफ,
and wish and lot of good wishes and congratulations to your family especially, because family ka contribution sabse zyada hota hai. जो मेरा जो भी मैं हूँ मतलब obviously फैमिली की वजह से हूँ. अगर सपोर्ट आज बंद हो जाए तो मैं ऐसे चौड़े होकर तुम्हारे सामने नहीं बैठा पाया जाऊंगा और तुम्हें उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सी यू.